वेलकम टू स्मिता'स टेस्ट लेन। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही चटपटा और स्पाइसी कबाब की रेसिपी। हम बनाएंगे चिकन शोले कबाब। इसे आज हम लोहे की कढ़ाई में स्लो कुक करके तैयार करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन शोले कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम मैरिनेट तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम एक बोल में ले लेंगे एक कप फिटा हुआ दही। ये फ्रेश दही है, ये बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1.5 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1.5 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। साथ ही इसमें हम नमक ऐड करेंगे स्वादानुसार और लाल फूड कलर ऐड कर देंगे 1/2 टेबलस्पून। इन सारी चीज़ों के साथ ही हम इसमें एक नींबू का रस पूरा निचोड़ के डाल देंगे और 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला पाउडर ऐड करेंगे। एक हैंड व्हिस्क की मदद से मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिला लूँगी। मैरिनेट में फूड कलर ऐड करना ऑप्शनल है, आपको ना पसंद हो तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। शोले कबाब का मैरिनेट बिल्कुल तैयार है, अब हम इसमें चिकन डाल के मिलाएंगे। तो इसमें अब हम 1 किलो बोनलेस चिकन डाल के मिलाएंगे। चिकन को मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट के तैयार किया है। चिकन के पीसेस को मैरिनेट से अच्छी तरह कोट कर लेंगे। चिकन को हमने मैरिनेट कर लिया है, अब हम इसे अच्छी तरह कवर करके फ्रिज में 6 से 8 घंटा रेस्ट करने रख देंगे। 8 घंटे हो गए हैं चिकन को मैरिनेट होते हुए, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ एक लोहे की कढ़ाई गरम करने रख दी है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून घी। घी गरम हो गया है, इसमें हम 2 टेबलस्पून कटा हुआ लहसुन और 3 से 4 हरी मिर्चें काट के डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह घी में फ्राई कर लेंगे। अब इस 1 किलो मैरिनेट किए हुए चिकन को हम 2 बैचेस में इसमें डालकर फ्राई करेंगे। चिकन को 6 से 8 घंटे तक मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से सारे स्पाइसेस चिकन में अब्सॉर्ब हो जाएंगे और हमारा कबाब एकदम लाजवाब बनेगा। एक एपेटाइजर या स्टार्टर की तरह सर्व किया जाए तो शोले कबाब किसी भी पार्टी की शान बढ़ा सकता है। पराठे या पूरी के साथ भी इसे सर्व किया जा सकता है और गरम चावल और दाल के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। अब हम इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते ऐड करके मिला लेंगे। तेल में डीप फ्राई करके भी शोले कबाब तैयार किया जा सकता है, लेकिन मुझे घी में स्लो फ्राई करके तैयार किया हुआ कबाब ज़्यादा टेस्टी लगता है। चिकन से सारा पानी निकल जाने तक हम इसे मध्यम आंच में खुला रख के पकाएंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते जाएंगे। थोड़ी देर में चिकन पानी छोड़ेगा। चिकन से निकलने वाला पानी जब तक सूख न जाए तब तक हम इसे खुला रख के मध्यम आंच में पकाएंगे। ऐसा करने से चिकन जूसी रहेगा और ड्राई नहीं होगा। पानी सूखने के बाद मैंने कढ़ाई पर ढक्कन लगा दिया था, अब हम इसे खोल के एक बार मिला लेते हैं। इसे अब हम ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। गरम गरम शोले कबाब सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे अब हम कढ़ाई से उतार लेते हैं। रेसिपी फॉलो करके शोले कबाब जरूर बना के देखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्मिता'स टेस्ट लेन।